This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसीएन दिस पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। चोपड़ा सालिशी सभा मामले में सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम और बीजेपी आरटी सेल की प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ चोपड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के चार लोग झुलस गए हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने का भी सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की जा रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई से सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होनी है। दिल्ली से बिहार के सिवान जा रही बस को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें बस में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए हैं। रूस की सेना में भारतीयों की भर्ती के मामले पर बड़ी बात हुई है। डिनर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से इस मसले पर बात की है। मुंबई में मंगलवार की सुबह बारिश के रुक जाने से मुंबई वासियों के लिए बड़ी राहत मिली है। वहां पर सड़क और रेल यातायात सुचारू रूप से शुरू हो गई है। हाथरस हादसे को लेकर यूपी सरकार की ओर से गठित एसआईटी जांच रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ को आज ये रिपोर्ट दी जाएगी। मॉस्को के निकट रूस के राष्ट्रपति के नोवो ओगारियेवो निवास पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। अभिनेता सलमान खान, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की हल्दी सेरेमनी में शामिल हुए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद आज यानी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर रहेंगे। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र के कई जिलों में स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल के साथ साथ रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के ग्रामीण इलाकों में स्कूल और कॉलेज मंगलवार को बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के मुंबई में भारी बारिश के कारण वडाला स्टेशन पर जल भराव की स्थिति है। ऐसे में हार्बर लाइन की सेवाएं कुछ मिनट देरी से चल रही है। महाराष्ट्र सरकार ने एडीजी आईजी रैंक के 10 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। गृह विभाग की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। नवी मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से 50 वर्षीय एक महिला के दोनों पैर कट गए, लेकिन उसकी जान बच गई। सुप्रिया सुले ने कहा कि हम विधानसभा चुनाव पारदर्शिता से लड़ना चाहते हैं, जिसमें केवल व्हाइट मनी का इस्तेमाल हो। निर्वाचन आयोग की आभारी हूं कि हमें चंदा जुटाने की अनुमति दी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुई भारी बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। इस बीच सीएम एकनाथ शिंदे ने लोगों से अपील की है कि जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। मुंबई हिट एंड रन मामले में शिंदे गुट शिवसेना के नेता राजेश शाह का बेटा मिहिर फरार है और पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। भारतीय शेयर बाजार की दमदार शुरुआत हुई है और सेंसेक्स ने फिर से 80,000 के पार जाकर ओपनिंग दिखाई है। निफ्टी भी 24,350 के ऊपर जाकर खुला है। किल फिल्म को दुनिया भर में पसंद किया गया है। फिल्म बिना किसी जोर शोर से आई है और 4 दिन पहले ही सिनेमाघरों की दस्तक दे चुकी है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसीएन न्यूज। नमस्कार।